डीप डिप्रेशन टी क्रमशः उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करुछि। आज पूर्वाह्नरे एहा गोपालपुर पाखरु प्रायत 90 किलोमीटर पूर्व को एवं पुरी पाखरु प्रायत 120 किलोमीटर दक्षिण को यह केन्द्रभूत अछि। यह बर्तमान गोटे डीप डिप्रेशन रूप से केन्द्रभूत रही क्रमशः उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति कर। आज मध्यान एवं तार पखापाखि अपराह्न समय रे पूरी निकटस्थ समुद्र रे आसी केन्द्रीभूत हेबो। पुणी तापरे या सही उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करिकी आज दिन सारा ओडिशा उपकूल निकट रे गति करिबो एवं पश्चिम बंग उपकूल आड़ को मुहाइबो। आसंता 6 घंटा मध्य रे एही डीप डिप्रेशन टी जेतेबेले पूरी उपकूल आड़ को मूव करूथिबो शेषर मध्य धीरे धीरे दुर्बल होगा लगे एवं आसंता 6 घंटा मध्य यह गोटे डिप्रेशन रे परिणत हो। जेतेबेले पश्चिमबंग उपकूल निकट रे पहुंचिबो सेतेबेले अर्थात आज राति रे यह गोटे वेल मार्क लो प्रेशर एरिया हिसाब से जाकि पहुंचिबो। यार प्रभाव में गत 24 घंटा मध्य ओडिशा उपकूलवर्ती जिला मानक निकटस्थ आभ्यंतरीण जिला मानक वर्षा होती केतेक जगार प्रबल अति प्रबल वर्षा रेकर्ड करा जायछि। हाईएस्ट 16 सेंटीमीटर रेकर्ड 16 सेंटीमीटर रेनफॉल रेकर्ड करा जायछि। आउर मते तथ्य आसुछि परे जणा पड़िबो एक्जाक्टली केते रेनफॉल होइछि। किंतु गंजाम खोर्धा नयागढ़ पुरी जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा जिला मानकरे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा रेकर्ड करा जायछि। एवं आमर अनुमान एया जे आज एही वर्षा लागि रहिबो विशेषतः उत्तर ओडिशार जो उपकूलवर्ती जिला रही अर्थात जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर से सब जिला मानक निकटस्थ आभ्यंतरण जिला जमीक जाजपुर कटक इत्यादि से ही जिला मानक वर्षा होगा सहित अल्प केतक जगार हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल मान प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पाए। बर्तमान इमिडिएट स्थित जब आप देखिए विभिन्न जिला मानक सबुठ अधिक वर्षा जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा जिले जारी रही। दक्षिण ओडिशार जो जिला सब रही सेठी वर्षार परिमाण धीरे धीरे कमिवाक लगे। आसंता 12 घंटा पाई मध्य एठारे वर्षा लागि रहिबो एवं आइसोलेटेड प्लेसेस रे हेवी रेनफॉल हो पारे गंजाम खोर्धा नयागढ़ जगतसिंहपुर गंजाम खोर्धा नयागढ़ आउ पुरी एही जिला मानकरे केवल आसंता 12 घंटा पाई हेवी रेनफॉल होबार संभावना रही। तापर कौनसी हेवी रेनफॉल होबार संभावना नाही। वर्षा धीरे धीरे कमिवाक लगे एही जिला मानकरे। उत्तर ओडिशा उपकूलवर्ती जिला मानकरे वर्षा धीरे धीरे बढ़िबो एवं हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल हो पारे आसंता 24 घंटा मध्ये। तबे सर पवनर वेग केतेबेले ठु संपूर्ण कमी जिवो एवं वर्षा संपूर्ण कमी जिवार संभावना केतेबेले ठु सृष्टि होइछि कोटे सुरक्षित पर्याय केतेबेले ठु आरंभ हेबो। पवन वर्तमान जेहेतु एही डीप डिप्रेशन टी ओडिशा उपकूल पाखरे रहिछि पाखापाखि 90 किलोमीटर दूर रे गोपालपुर पाखरु एवं यार उत्तर भागरे अधिका पवन रही तेणु ओडिशा उपकूल रे वर्तमान एही डीप डिप्रेशन प्रभाव रे पवन प्रवाहित होउछि। ए पवन रो वेग होउछि 45-55 किलोमीटर प्रति घंटा एवं झटकारे 65 किलोमीटर प्रति घंटा। एही पवन आज संध्या जाए रहिबो तापरे पवन रो वेग कमिबाकु लागिबो एवं पवन धीरे धीरे दक्षिण ओडिशा अंचल रु कमिबाकु लागिबो उत्तर ओडिशा अंचल रे जारी रहिबो आज संध्या जाए। सर गोटे चेंज रे स्पष्टता चाहिबो जेतु एटा लैंडफॉल करिवो नहीं ये समुद्र मध्य रोही डिकर्व करिकी पूरी समुद्र रोही ऊपर को उठि जिवो उत्तर उत्तर पूर्व दिगो। हाँ आपने से कथा कहले आमे केबे कहि नहु जे या स्थलभाग अतिक्रम करियो बोली आमे पोइतलु पूरी पाखा पाखे आसी पहुँचिबो एवं से एलोंग ओडिशा कोस्ट आमे कहितलु जहाँ से आमे बजाय रखुछु एलोंग ओडिशा कोस्ट या गति करिबो उत्तर उत्तर दिगरे पूरी पाखरे पाखेक आसिबो पूरा तापरे पुणि पारादीप पाखरे पाखुक आसिबो तापरे पुणि सेहिभळी उपकूल देकी पश्चिमबंग उपकूल आड़कु मुहाँइबो। पवन वेग आ बढ़िवार ना जहाँ आम कहूँ 45-55 गस्टनेस्रे 65 एति किलोमीटर पर आवर वेगरे पवन अधिका प्रवाहित होबार ना एति पवन रहिबो 45-55 अति बेसी 65 किलोमीटर प्रति घंटा यह समुद्र अंचल और निकटस्थ उपकूल अंचल प्रवाहित हो कौन गोटे साइक्लोन नुहे यदि साइक्लोन होता जो पाखे आसूसी पाखे सब अधिका पवन होता है कि डिप्रेसन केन्द्र पाखु दूर पवन अधिका होता है माने
50 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଧିକା ପବନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେହି ପବନ ଚାଲିବ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକନିଂ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତେଣୁ ୟାଠୁ ଅଧିକା ପବନ ହେବାର ନାହିଁ, ୟାଠୁ ବରଂ ଆହୁରି ପବନ କମ୍ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯେଉଁ ପବନ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସେୟା ରହିବ, ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକା ରହିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ କାଲିଠାରୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ହେଭି ରେନ୍ ବା କୌଣସି ସେମିତି ବିପଦର ସୂଚନା ନାହିଁ।